हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एजीसिप 500 टैबलेट की। ये जो एजीसिप 500 टैबलेट है, ये एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करते हैं। इस टैबलेट के अंदर जो कंटेंट होता है वो एजिथ्रोमाइसिन होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 500 मिलीग्राम इस टैबलेट के अंदर है। सिप्ला लिमिटेड ये कंपनी इस एजीसिप 500 टैबलेट को बनाती है, और इस टैबलेट की एक स्ट्रिप जो आती है उसके अंदर 3 गोलियां होती है। उनकी अभी जो प्राइस है वो 79 रुपीज है। देन आगे हम यूजेस देखते हैं। ये जो एजीसिप 500 टैबलेट है, इसका यूज निमोनिया में करते हैं। निमोनिया जो कि क्लैमाइडिया बैक्टीरिया के वजह से होता है, उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का यूज करते हैं। देन फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलिटिस में इस टैबलेट को देते हैं। ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। देन जिन पेशेंट्स को साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है, जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं, उसे ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। ओटाइटिस मीडिया यानी मिडल ईयर के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। देन स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया के वजह से कॉज होते हैं, उनको ठीक करने के लिए ये एजेसिव टैबलेट देते हैं। और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। तो ये सभी एजेसिव 500 टैबलेट के यूजेस है। आगे हम डोसेस देखते हैं। ये जो एजेसिव 500 टैबलेट है, इसे लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, देन आप ये टैबलेट ले सकते हो। इस टैबलेट के जो अडल्ट डोस है वो है 1 टैबलेट पर डे, यानी दिन की आपको 1 टैबलेट लेनी होती है। इस टैबलेट को आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना होता है। तो ये एजेसिव 500 टैबलेट के डोसेज है। देन आगे हम वर्किंग देखते हैं। ये जो एजेसिव 500 टैबलेट है, इसके अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन होता है वो मैक्रोलिड्स क्लास में बिलोंग करता है, जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी ये बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से रोकता है। ये एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस करने से इनहिबिट करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। तो ऐसे ये एजिथ्रोमाइसिन काम करता है। आगे हम प्रिकॉशंस देखते हैं। जिन पेशेंट्स को पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक की एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है, उनको ये टैबलेट नहीं लेनी है। देन इस टैबलेट को आपको वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू, इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करना है। जो किडनी और लिवर डिसीज के पेशेंट है, उनको डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट का यूज करना है। तो ये सभी प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। लास्ट में हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं। इस टैबलेट के वजह से स्टमक पेन, गैस्ट्रिक अपसेट, वोमिटिंग, हेडेक और डिजीनेस इत्यादि साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी है एजेसिव 500 टैबलेट की। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।